जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा डीजल ऑटो चालकों के लिए एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब शहर में चल रहे सभी डीजल ऑटो को सीएनजी किट लगवाना होगा। किट लगवाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। साथ ही डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन जल्द ही बंद करने की भी बात कही गई है। सीएनजी किट लगवाने में 30 से 40 हजार रुपए का खर्च है। ऐसे में शहर के सभी डीजल ऑटो चालक परेशान हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से पहले ही उनकी कमर टूट चुकी है। हर रोज कमाने खाने वाले लोग इतने कम वक्त में इतना पैसा कैसे जुटा पाएंगे। इन्हीं समस्याओं को लेकर डीजल ऑटो चालकों से बात की लाइव लगातार के संवाददाता ने। बोले दूसरा गाड़ी चला 100-150 हिसाब दे रहा, कहाँ से लाएगा? वो भी 2 ट्रिप 3 ट्रिप लग रहा, दिन भर में 4 ट्रिप नहीं हो रहा, 300 रुपया नहीं कमा रहा, 100-150 दे रहा, होटल में 20 रुपया में खाना खा रहा, ये वाला हाल है। बोलिए रोड में बैठ गई। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग ऑटो चालक है, ऑटो चलाएंगे, बाकी हम लोग को सुविधा चाहिए, हम लोग को बेनिफिट चाहिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे 55-60 हजार रुपये फिर से? अगर किसी तरह अपना पुराना ऑटो चला रहे हैं, अब अचानक जो सरकार 1 साल 2 साल का टाइम दे, अब कुछ इसमें उम्मीद होगी सरकार हमको कुछ मदद भी कर रही है तो हम लोग आगे सोचेगी। और सीएनजी जो टेम्पो है वो 86 है सिर्फ, और दूसरा क्या है कि सिर्फ ये गैस जो है पीने जगह खुला हुआ है, हर जगह नहीं खुला हुआ। अब मानगो में मेरा डीजल खत्म हो, ये गैस खत्म हो गया था, हम टेल्को जाएंगे लाने के लिए कि मानगो भरवाएंगे। अब मानगो डिमना रोड में है, अब यहाँ खत्म हो गया, जुगसलाई में नहीं है, अभी जुगसलाई भी चालू होने में बहुत देर है। आपको ये बर्मा में जो है नहीं है, टेल्को में है, तो ये हर जगह सुविधा देगा तब ना आदमी। लॉकडाउन में आदमी 7,500-8,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पड़ेगा EMI, आदमी कहाँ से भरेगा? आदमी को तो खाने का भी लाला पड़ा हुआ है। इसी के लिए सरकार से भी हम लोग का बहुत ज़्यादा गुजारिश ये है कि हम लोग के लिए अभी वक्त चाहिए, बहुत कम से कम अभी हम लोग को, जब तक ये लॉकडाउन का ये ख़त्म नहीं होगा तब तक का हम लोग को अभी टाइम चाहिए। देख लीजिए आप टैक्सी मार्केट देखिए कैसा है, पोजिशन देख रहे ना मार्केट का, दुकानदार बेचारा ऐसी है कस्टमर नहीं आ रहा। अभी ये दौर में पूरा ऑटो वाला चल, अभी क्या है थोड़ा आदमी मोमेंट पकड़ ले, 6 महीना साल भर 1.5 साल के बाद ये सब होने से क्या ना आदमी कुछ आगे बढ़े, अभी तो आगे बढ़ने का उम्मीद ही नहीं लग रहा है। सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को गाड़ी के बदली गाड़ी दीजिए, और क्या बोलेंगे? हमारे हिसाब से 1.5 महीने से 1.5 साल से तो हम लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं खाने पीना, और इस विषय में अगर 6 महीने के अंदर बोलते हैं गाड़ी को हटा के उसको लेने का, तो हमारा लेने का क्षमता ही कहाँ, हमारा वो क्षमता तो है ही नहीं। तो सरकार इसके लिए क्या उपाय करता, क्या रास्ता निकालता, उसके लिए आप सोचिए कि कुछ उसका उपाय करें, जैसे हमारा भी रोजगार चले, सरकार का कानून भी चल रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।